शायद आपको दिख रहा हो पीछे एक किला सा है और तो ग्रेवयार्ड पूरा चारों तरफ ग्रेवयार्ड ही ग्रेवयार्ड है और ये सबसे पास वाली कब्र ही है। ये देखो 20 साल की उम्र में, ये देखो एज 20 साल लिखी हुई है। भाई क्या सीन है आज, कहां को हॉन्टेड लोग बनाना है हमें? तो भाई आज हम जा रहे हैं कसौली। कसौली जाएंगे, चंडीगढ़ से है 1 या 2 घंटे का रास्ता मेरे ख्याल से, 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और वहां पे ना बहुत हॉरर ये है कि जब आप टॉप 10 places इंडिया की सर्च करोगे तो कसौली ग्रेवयार्ड भी आता है। जैसे एक बार PGI आया था जब हमने लिस्ट में, उसी लिस्ट में कसौली ग्रेवयार्ड भी है। तो अब देखते हैं पंगा लेके एक बार। तो गाइस सीन ऐसे है, मैं जब भी चंडीगढ़ आता हूँ मैं हॉन्टेड व्लॉग जरूर बनाता हूँ। पिछली बार जब मैं आया था सर्दियों में तो मैंने PGI का हॉन्टेड व्लॉग बनाया था जिसमें कुछ मूविंग चीजें मेरे को दिखी थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी जरूर देखना। तो अभी चलते हैं ग्रेवयार्ड। अभी हम आ गए हैं। मिस्टर भाई क्या हाल है? हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो पाजी कहाँ है? पाजी बस अंदर है, काम कर रहे हैं, आजो। ऑलवेज बिजी है। ओहो वाइफ से क्या हाल है? क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या कर रहे हो? बस काम कर रहे थे तुम्हारे गाने। अरे अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कोलैबोरेशन का क्या सीन है, गाना कब आया? तो भाई मैं गाने के चक्कर में ही चंडीगढ़ आया हूँ, हमारी रिकॉर्डिंग है आज कल में, रिकॉर्ड करेंगे हम गाना, और वो अभी बताना नहीं है कौन सा गाना है, ठीक है? आज उसकी रिकॉर्डिंग है, मतलब कल होगी, आज तो हम बनाने आ रहे हैं व्लॉग। बताए कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? आज चलेंगे भूत से मिलाने। तुम डर तो नहीं लगता क्या बात? पर ये डिपेंड करता है जगह पे। तो भाई को तो आप सभी जानते होंगे, मिस्टर आवाज, इनके काफी बहुत सारे हिट गाने तो आपने सुना ही होगा, लाके 3 पैक बलिए, शहरी, भाई के जितने भी गाने हैं भाई के साथ ही आते हैं, यार डिफॉल्टर है, दिल्ली में बहुत चलते हैं भाई तुम्हारे गाने। थैंक यू भाई, बस प्यार कर रहे हैं लोग वहाँ पे पूरा, बोले एकदम गैंगस्टर थीम देते हो तुम, ऐसा क्यों भाई? बस ऐसे ही है, अभी फुल में है। तो अभी भाई का नया गाना है यार मलाना, हाँ वो सुनाओ ना यार। हाँ यार वो सुनाते तुम। तो इसकी थीम कुछ ऐसी है, भाई ने कुछ सुना है, तो पार्टी में आ गए है ना, जड़ी बूटी ये तो हमें मिले बाबा हंसराज रघुवंशी, मेरा भोला है भंडारी आपने सुना होगा। तो फिर वो जब उन्होंने फीचर किया है तो अब मजा आ गया बोलोन, और बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो बस ऐसे ही प्यार बना के। अगर आप भोले के दीवाने हो, मलाना के दीवाने हो, तो ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा गाइस, तो जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दो। और हमने एक सोचा है, मैंने पाजी को समझाया कि भाई गिव अवे करते हैं ना यार। बिल्कुल है ना, सही बात है। गिव अवे भाई आपको जीतना है तो आपको सबसे पहले गाने को लाइक करना है इनके गाने को, दूसरा कमेंट करना है कोई भी अच्छा सा, और तीसरी चीज अपने इंस्टाग्राम पे रील बनानी है और इसी गाने से रिलेटेड, और हम दोनों को टैग करना है। हम उन्हीं रील्स में से 3 विनर को निकालेंगे और 3 विनर को देंगे कुछ बढ़िया सा गिफ्ट, वो अभी नहीं बताएंगे, वो 1 हफ्ते बाद रिजल्ट दूंगा, मैं ही दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है? और जो नेक्स्ट कोलैबोरेशन आ रहा है हम दोनों का, बेसिकली 2 गाने आ रहे हैं ना, एक आपके चैनल गाने आ रहे हैं, पहला गाना तो आई थिंक जल्दी हम निकाल लेंगे, और दूसरा गाना जैसे बन गया, जैसे गौरव भाई ने रिकॉर्ड कर दिया उसके हिसाब से, वो भी गाना आपके लिए। तो अभी ये रही गाड़ी और चलते अंदर सारे मस्ती के मूड में। मोहाली कहाँ के रहने वाले हो? मोहाली के यहाँ पर कालका मासी रहते हैं। डिक्की खोल लेगा। तो अभी पुलिस वाले चेक कर रहे हैं, कुछ है तो नहीं, अभी अभी चेकिंग हुई, अभी फिर आगे निकल दिए हम। अभी यहाँ से कितनी दूर होगा भाई? यहाँ से तो अभी लग जाएगा 1 घंटा और। तो चंडीगढ़ से हमें मतलब करीब 20-25 मिनट हो गए ट्रेवल करते करते, अभी 1 घंटा और लगेगा। अभी हम बेसिकली एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं दक्षई ग्रेवयार्ड। दक्षई ये कहाँ, शिमला के रास्ते में है क्या? ये शिमला के रास्ते में है, ये कसौली के अपोजिट है। अच्छा तो पहाड़ी में? ये पहाड़ी, फुल ऑन पहाड़ी। तो अभी पहाड़ी चालू हो जाएगी थोड़ी देर बाद। क्या बात है, अभी यहाँ से हो चुका है हिमाचल चालू, अभी हमने टोल क्रॉस करा। जीरा बोर्ड वेलकम टू डाकशाही कैंटोनमेंट, और यहाँ से ऑफ रोडिंग वाला रास्ता थोड़ा है। यहाँ से कितनी दूर होगा भाई? यहाँ से होगा 10 किलोमीटर। खराब रास्ता है? नहीं नहीं, सिर्फ इतना ही है, बाकी ठीक है, पर ऐसा रास्ता है सारा, छोटा रास्ता। अच्छा छोटा रास्ता, तो ये छोटा रास्ता ही चलेगा 10 किलोमीटर तक? रोक ना, लाइट मार के सबने कैमरा खोल लिया। देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है, आइडिया लग गया, पेड़ हिल रहे हैं ये देख सकते हो आप हवा से। अच्छा हिलते भी हैं। ओ भाई यहाँ पे है गाड़ी, अरे ऑफिस आया भाई, फार्म है, मिलिट्री फार्म। और देखो मैं अभी जूम करके दिखाऊं तो पेड़ कितने जोर जोर से हिल रहे हैं, देखो
देख रहे हो, ये देखो कितनी जोर से हिला पेड़, ये देखो कैसे हिल रहा है, देखो थोड़ा। तो अभी ये बैक कर रहे हो, तो अभी बैक कर रहे हैं, तो अभी हम बैक कर रहे हैं क्योंकि हम खो गए हैं। ये देखो चारों तरफ अंधेरा। तो ये है, अभी हम वापस जा रहे हैं और टाइम देखो 152। तो अभी हमने लगाया है गूगल मैप लोकेशन, कहाँ पे बता रहे कितनी दूर भाई, यहाँ से भी अभी 3 किलोमीटर दूर। ये देखो दक्षई ग्रेवयार्ड का रास्ता 3 किलोमीटर बता रहा है, अगर आपको दिख रहा हो। हमने चौक से लेफ्ट ले लिया है और अब चलते जा रहे हैं। देखो भाई मेरे को मनने का इतना शौक नहीं, बट ये वांटेड में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को पसंद है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, 1 लाख लाइक्स आने चाहिए, जब तक ग्रेवयार्ड पर तक नहीं पहुंच रहे फटाफट लाइक करो वीडियो को। ठीक है जाना इस टाइम, जगह ठीक है जाना इस टाइम, ऊपर ना जाइए। क्यों भूत है, तुमने देखे हैं भूत? दूध नहीं भूत देखा है, भूत देखा तुमने भूत? अभी भाई ने जो लोकेशन दी थी हम यहाँ आ गए स्कूल एरिया में। तो अभी हम बैक जा रहे हैं और वापस वहीं जा रहे हैं, सबसे खराब रास्ता था क्योंकि हमें लग रहा है वही है, क्योंकि गूगल मैप में वही दिखा रहा है। तो जूम करूँ तो ये पुरानी जेल की फोटो बनी पड़ी है और ये ग्रेवयार्ड्स हैं सबसे नीचे। विजिट हेरिटेज जेल म्यूजियम, विजिट डाकशाही, टेक अ स्क्रोल अलोंग ए स्ट्रीट। तो भाई अब देखो कितनी जोर की आंधी आ गई, हम वापस उसी रोड पे जा रहे हैं, ये देख रहे हो बहुत, बाप रे ऊपर भी हिल रहा है नीचे भी हिल रहा है। खरगोश, खरगोश ये देखो खरगोश, कर दिया कर दिया। हम जब सबसे पहले थे ग्रेवयार्ड के सामने से मुड़े हैं, देखो किस्मत ये होती है या शायद इशारा ये कि आगे मत जाओ, यहाँ तो देखो टूटे हुए पड़े हैं, पर मैं मानूंगा नहीं जाके रहूंगा। देख रहा हूँ कितना सुनसान है यहाँ पे, कोई नहीं है, यहाँ तो आर्मी वाले भी नहीं आए। अभी हम आ गए हैं, उतर गए हैं, तो गाड़ी हम यहीं पीछे खड़ी कर देते हैं। गाड़ी को लॉक कर दो भाई, ज्यादा ठंडी हवा लग रही है। नहीं पता नहीं अचानक से मतलब इतना ठंड, गाड़ी की लाइट बंद कर पहले, गाड़ी की लाइट बंद ही नहीं हो रही है, हमने बंद करी एक बार, वापस चलो। टेम्परेचर आ रहा है 16, ये देखो भाई की दुबई की फोटो है। दुबई सीन ऐसा है, यहाँ से रास्ता कटा है ग्रेवयार्ड का, ठीक है, और अंदर जाना है पूरा। कैसे कैसे रास्ता भाई जी? चलो लग जाएगा चलो। तो यहाँ से थोड़ा हमें गाड़ी, ये हवा कैसी आई एकदम, बहुत जोर की आंधी चल रही है, आवाज आ रही है, लेकिन गिर मत जाना यार। रास्ता देखो कैसा है, शायद आपको दिख रहा हो पीछे एक किला सा है और झरना भी है क्या कोई? हाँ, झरना नहीं है, ये आवाज मुझे लगता है हवा की आ रही है यार, मतलब ऐसी इतनी तेज साउंड है भाई, निकलते हैं यार, जाते नहीं आगे। नहीं नहीं आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, मतलब ऐसा है यस नो यस नो, बट तुम्हारा भाई यस करेगा। इतनी स्पूकी साउंड आ रही है और ये वो, मैं तो ये देख के शौक हूँ कि इतने नीचे इतना मतलब अलग हटके बना सा रखा, पता नहीं क्या, बहुत पुराने जमाने का। वहाँ से नहीं जा सकते हम अंदर, हो गया आगे से जाएंगे वहाँ से भाई, ये भाई रहने दो। नहीं नहीं भाई मानो यार, तुम क्यों भाई, ये देखो बड़ा बंगा ले रहे हो, थोड़ा ध्यान दो, आवाज आई बाउंड्री है यहाँ पे, तो डर तो लग रहा है एक बार यहाँ से नीचे देखता हूँ जरा, और ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड इधर आओ, ग्रेवयार्ड पूरा चारों तरफ ग्रेवयार्ड ही ग्रेवयार्ड है, और ये सबसे पास वाले जूम करके दिखा, टाइम देखो ये देखो टाइम मेरे मोबाइल में
242। तो गाइस सीन ऐसा है, यहाँ पे जो ग्रेवयार्ड है ये किनकी ग्रेवयार्ड है बताऊँ इधर आप? ये जो ग्रेवयार्ड है ये अंग्रेजों के टाइम की है, और जो ये कब्रें हैं वो भी उस पर भी देखोगे नाम किसी को लिखा होगा, एंथनी डिसूजा जोसेफ, हाँ ऐसे। तो और आज बहुत पुरानी है, 1947 के पहले की है। और आज मून देखो, फुल मून डे, फुल मून ऊपर दिखाओ, पूर्णमासी है यार भाई। चलो यार हाथ जोड़ते हैं, माफ करना भाई कोई गलती हो गई तो। तो गाइस इतना भाग क्या है, सांस फूल गई, सिर्फ चार कदम चले गाड़ी तक आ गए। ठीक हो भाई तुम? एक्चुअली कुछ अजीब सी वाइब आ रही थी इसलिए सारे भाग लिए, है कि नहीं? बड़ी दिक्कत होगी यार आज गए भाई आज। हाँ तो अभी अभी हम आए हैं जगह, हम थोड़ी देर बैठेंगे और चिल करेंगे, और यहाँ से पूरा वो नीचे क्या है भाई जी, ऐसे लग रहा है ऐसे हम प्लेन में इस टाइम। हाँ सही में, चंडीगढ़ पंचकूला कहाँ पे है? चंडीगढ़ वो देखो सामने नीचे की साइड, अभी लाइटें देख रहे हो ना, ये पूरा चंडीगढ़ है, और अभी हम वहाँ से पूरा पहाड़ी पे आए हैं बहुत ऊपर। आर्मी वालों ने ऐसी जगह बना दी है थोड़ी बैठने की, तो सीन ऐसा अभी हम बैठने ही लगे थे तो भाइयों को कुछ आवाज़ आई तो गाड़ी में चले गए, तो काई की आवाज़ आई थी तो इनको पीछे से कहीं से आवाज़ आई है, या भालू चीता हो सकते हैं है? आ जाओ अंदर लेते हैं, बैठ लें। बोलो दो मिनट, पता कैसे दो मिनट बैठ जाओ, पता क्यों ऊपर से ना वो आवाज पता कैसी आ रही थी, जैसे कोई चल रहा है फिर रुक रहा है, मतलब भालू टाइप। भूत तो नहीं होगा पर भालू टाइप जानवर हो सकते। तो हाईवे पे यहाँ पे बस एक ही ढाबा खुला है, तो हम सब खाना खा रहे हैं, दिखाता हूँ तेरे सारे हमारे भाई पूरी टीम। तो अभी सबसे पहले हमने ऑर्डर करी है ये अंडा मैगी, हमें लगी है बहुत जोर से भूख भूख, हम वेट नहीं कर सकते। तो मैगी बड़ी टेस्टी है पहाड़ों की। तो अभी हम खा रहे हैं खाना, और अभी बज रहे हैं सुबह के, रात के हैं क्या है, 5:20। कमेंट करके बताना है 5:20 कब के होते हैं। तो अभी हमने खा लिया है खाना, और अभी देखो टाइम हो रहा है 6 बजने वाले, और हल्का हल्का सा सनराइज हो रहा है ये। तो बैठते हैं अभी गाड़ी में और प्रॉपर ग्रेवयार्ड के अंदर जाएंगे। तो गाइस इस रास्ते से हम 6-7 बार ही जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 बार तो हम ढूंढते चले गए, और फिर एक बार ही गए, और फिर गए वापस आए फिर गए। तो हमें क्या एक चीज नोटिस कर रहे थे हम बहुत देर से, कि हमें जब भी हम गए हैं 4 या 5 बार ये खरगोश मिला है, पता नहीं क्यों मिला, खाली रात को 2-2:30 बजे के आसपास ही मिला। अब हम जा रहे हैं सुबह, अब नहीं मिल रहा है, तो मतलब कुछ हो सकता है वो, मेरे ख्याल से कोई आत्मा हो, नजारा करी हो हम पे, ऐसा कुछ हो। हाँ स्लेटा, स्लेटा बोलते हैं स्लेटा। तो रात को इसी जगह से आए थे हम, ये देखो वो जो घर है वो रहा। तो ये देखो ये सारी ग्रेवस्टोन, जूम मार के दिखाऊं आपको दिख रही होंगी। तो भाई कसम से मजा आ गया यार, इतनी प्यारी जगह, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही इस जगह से, रात को जितनी हॉन्टेड है उतनी पॉजिटिव है। और ये देखो गुलाब का फूल, वाओ अमेजिंग। तो ये सारी ग्रेव्स है, तो ये सीढ़ियां और ऊपर तक जा रही है, और ऊपर चल के देखते हैं। भाई बोल रहे थे ग्रेवयार्ड्स पार करने के बाद एक जन्नत वाला सीन आता है जहाँ से सनराइज दिखता है। ये देखो सारे रोज के फूल है, और ये सारी ग्रेव्स है, ये देखो नाम देखे, ये देखो जूम करें, 1968 की 1968 एज 75, वो भी ग्रेव्स है सारी, ये भी ग्रेव है देखो। हाँ ये व्यू बड़ा प्यारा है यार, क्या आपको दिखाता हूँ, वाओ अमेजिंग। और ठंड सी लग रही है मेरे को, ये ऐसी लोकेशन है सब एकदम, छोटी छोटी ग्रासेस हैं, फ्लावर्स हैं, और पीछे इतना प्यारा व्यू है हमारे, और सुबह के हो रहे हैं 6:10। ये सारा ग्रेवयार्ड है, तो यहीं आए थे हम रात को, हम इस साइड नहीं आए थे, उस साइड वाली जगह आए थे। तो अभी वो लोग वहाँ चले गए हैं, और मैं भी उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, ये देखो इस पे चल चल के, भाई बड़ा मजा आ रहा है यार। ओ, आ रहा हूँ बॉय। यार बड़ी ऊंची ऊंची खाई है, बहुत हाइट पे अभी हम, नहीं अच्छे खासी हाइट में भाई। तो ये देखो ग्रेव्स सारी, तो उस ग्रेव के पास जा रहा हूँ। 1915 की है, एज 20 साल लिखी हुई है, 20 साल की उम्र में। हाँ। ये देखो एज 20 साल लिखी हुई है। यहाँ पे लोग काफी चिल करने आते हैं, बियर वियर पीने, और यहाँ पे है कुछ छूंगा नहीं इसको, लेकिन हेलो वन पता नहीं क्या लिखा है, काटा हुआ है। बुलाने वाला तो नहीं, हाँ हो सकता है किसी ने तांत्रिक वांत्रिक आया हो। तो अभी चलते हैं अपने होटल और सोते हैं, अभी बज रहे हैं 6:30 सुबह के। मुझे उम्मीद है आपको हर व्लॉग की तरह इस व्लॉग में भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा,
देखते हो कितनी मेहनत लगती है एक व्लॉग शूट करने में। तो ये सब थक गए भाई जान अपने, और लो धूप भी आ गई है। तो ये गाइस पूरी 7-8 ब्लॉक की सीरीज है, मैं चंडीगढ़ से शिमला कैसे आया, शिमला में घूमा और मेरे सब्सक्राइबर मिले जिनके घर में रुका हूँ, कैसे मिले, इनके गांव घूमूंगा, हॉन्टेड व्लॉग बनाएंगे हम एक दो, तो पूरी सीरीज आने वाली है। वो सीरीज पूरी चेक करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये लाल कलर का बटन दबा के, और सब्सक्राइब करने वाली घंटा दबाओ टंग 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 करके, उससे क्या होगा पे नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू ब्लॉग डालूंगा। तो सीरीज आने वाली बाकी है, और बाकी हाँ करंट अगर आपको मेरी लोकेशन चेक करनी है तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे पूरा एक्टिव हूँ, तो वहां पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, ये रहे इंस्टाग्राम का यूजर नेम डिस्क्रिप्शन में, मैं लिंक डालू। पीस आउट, लव यू, 4 मिलियन करा दो।